गुड मॉर्निंग क्लास 5th. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. सो सी व्हाट इज विच इज़ आर फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स सर्कलिंग अराउंड द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लॉन्गिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइन है जो वर्टिकली रन होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे. वहीं लैटिट्यूड वो इमेजिनिंग लाइन होती हैं जो अर्थ के पास होती हैं कहाँ किस डायरेक्शन से ईस्ट टू वेस्ट. देन नेम सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. अब हमें इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन्स बतानी हैं लैटिट्यूड की. तो कौन कौन सी लाइन्स हो गई वो. फर्स्ट इज़ आर्कटिक सर्कल, सेकेंड इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन कम्स अंटार्कटिक सर्कल. चार लाइनें कौन सी हो गई. आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल. देन सी चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज प्राइम मेरिडियन. द प्राइम मेरिडियन इज द स्टैंडर्ड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड अज्यूम्ड टू बी क्रॉसिंग द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच नियर लंडन. इट इज़ मार्क्ड एट 0 degree. दिस लॉन्गिट्यूड डिवाइड द वर्ल्ड इंटू टू इक्वल हाफ्स. प्राइम मेरिडियन क्या है. वो स्टैंडर्ड लाइन है लॉन्गिट्यूड की जो क्रॉस करती है रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच. ग्रीनविच कहाँ है मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी बताया था. इट इज़ नियर लंडन एंड दिस लाइन इन दिस मेरिडियन इज मार्क्ड एट 0 degree. देन कम्स लॉन्गिट्यूड डिवाइड द वर्ल्ड इंटू टू इक्वल हाफ्स. लॉन्गिट्यूड क्या करता है हमारे वर्ल्ड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है. देन यू सी हाउ मैनी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर देयर. देयर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड की कितनी लाइन्स हैं 181. देन कम्स लॉन्ग आंसर. हाउ डू वी फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ. हम अर्थ पे किसी लोकेशन का पता कैसे लगा सकते हैं. द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स नोन एज लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स रिस्पेक्टिवली मेक अ नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोवाइड अस लोकेशन कोऑर्डिनेट विच हेल्प अस इन लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अर्थ. देन सी क्वेश्चन नंबर 2. Differentiate between longitudes and latitudes. Longitudes are imaginary lines that run vertically from the north to the south. जैसा अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा लॉन्गिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन है जो वर्टिकली रन होती है नॉर्थ टू साउथ पोल में. देन कम्स लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन सर्कलिंग अराउंड द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. लैटिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन हो गई जो अर्थ को सर्कल करती हैं ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड हाउ. सो चिल्ड्रन व्हाइल आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर टू यू आई टोल्ड यू एन एक्सप्लोरर हुज नेम वॉज फर्डिनेंड मैगेलन सेट दिस एक्सपेडिशन. उन्होंने क्या किया था वो हमारे वर्ल्ड को ट्रैवल करने निकले थे और उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हमारा अर्थ फ्लैट पीस ऑफ लैंड नहीं है बल्कि कर्व्ड सरफेस है. और ये उन्हें कैसे पता चला था. व्हेन ही अज्यूम दैट फ्रॉम द पॉइंट वेयर ही मूव्ड सेवरल ईयर्स अगो टुडे एट दैट मोमेंट ऑल्सो ही रीच्ड एट द सेम पॉइंट. उन्हें ऐसे पता लगा उन्होंने ये अज्यूम किया कि जब वो एक जगह से चले थे सालों पहले अब जब वो एक्सप्लोर करके आए हैं तो वो उसी जगह पर वापस लौट आए हैं. सो दिस मेड हिम रियलाइज दैट अर्थ इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस. अर्थ इज़ कर्व्ड इन शेप. नाउ सी द आंसर. इन द 16th सेंचुरी अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन सेट ऑन एन एक्सपीडिशन. He started his journey from Seville in Spain in 1519. Though he died on the way, the voyage was completed by his second in command, Juan Sebastian Elcano, in 1522. When the latter reached Seville and proved by his circumnavigation that the earth was spherical in shape. So what you need to do is this children, you have to note down these answers the following and in short and long in your SST notebooks along with the exercises
difficult words and word meanings which we have done earlier. And if you have any doubt, you can ask me anytime. I'll help you in completing your work. So thank you for today class and have a nice day.